ताजा मामला बगदून थाने का है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही कर अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें 7 पेटी देसी दोबारा प्लेन शराब भी जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान बढ़ते अपराधों के नियंत्रण के लिए पीथमपुर पुलिस चेक पॉइंट पर आने वाली गाड़ियों की जांच कर रही थी, तभी एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर GJ01KD7119 पुलिस को देख रिवर्स होकर घाटा बिल्लोद की ओर भागने लगी। पुलिस ने जब पीछा किया तो कार मार्ग में पड़ने वाली नाकाबंदी के बैरिकेड्स तोड़ती हुई निकल गई। वहीं कार चालक ने पुलिस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लगभग 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद सादलपुर पुलिस ने सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर मार्ग में ट्रक खड़ा कर दिया। पीथमपुर से संजय सुनगला की रिपोर्ट। सर, 34 का कुछ मामला सामने आया, कल दिनांक को लोग भ्रमण करते हुए हमारी पुलिस टीम टोल टैक्स के पास इसके ढाबे पर पहुंची थी, तो पुलिस को देख करके स्विफ्ट कार GJ01KD7119 काफ़ी तेज गति से घाटा बिल्लो की तरफ भागी। पुलिस ने पीछा भी किया, घाटा बिल्लो चौकी पर हमने सूचना दी थी, उन्होंने स्टॉपर भी लगाए थे, लेकिन वो उसको भी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए काफ़ी बहुत तेज गति से जा रही थी, लेकिन उसको हम लगातार चेस कर रहे थे। फिर हमने आगे सदरपुर थाने को नाकाबंदी के लिए सूचित किया, इस पर से सदरपुर थाने की पुलिस द्वारा वहाँ पर रोड पर ट्रक खड़े करके ट्रक को रास्ते को जाम किया गया। फिर वहाँ से हमने आरोपियों को करीब 20 किलोमीटर चेस करने के बाद पकड़ा, तो उनकी कार में जब तलाशी ली तो कार में से 7 पेटी शराब की मिली है, देशी शराब की। आरोपियों के नाम हैं मोहन वास्केल, ये नाम चाकलिया तिरला का है, और इसका दूसरा साथी जो है मनीष राठौर, ये धार का है, ऊंट खाना धार का है। सर, शराब कहाँ से कहाँ ले जाया जा रही थी? दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, पुलिस रिमांड लिया है। इनकी शोहरत यह है कि ये शराब का अवैध कारोबार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।